তোর? तो आप लोगों ने सुन लिया और देख भी लिया क्या हो रहा है। अगर अपने गाड़ी का एसी चलाया तब गाड़ी में नॉइस आ रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको एसी चलाने से आपका नॉइस आएगा कड़कड़ कड़कड़ कड़ के, तो आपको एसी कंप्रेसर चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बारीकी से जानना है और डिटेल्स आपको चेक करने के बाद ही आपको सोल्यूशन में जाना है। तो हमने चेक कर लिया, इसमें टेंशनर और बेल्ट दोनों को चेंज कर दिया। टेंशनर का फॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमने अभी बेल्ट और टेंशनर दोनों को चेंज करेंगे। तो हमने कर लिया टेंशनर चेंज, टेंशनर को ऊपर फिट कर दिया, अभी बेल्ट को चढ़ाएंगे। तो वो बेल्ट चढ़ने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे इसका नॉइस हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, इसको अभी टेंशनर से बेल्ट को चढ़ाएंगे। टेंशनर में अभी रिंग लगा के इसको खींच के लगाएंगे। तो हमने टेंशनर को खींच के बेल्ट को चढ़ा दिया। तो आप लोगों को अभी दिखाएंगे स्टार्ट करने के बाद नॉइस है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसा गाड़ी आए तो आपको क्या करना है, बारीकी से चेक करना है कि ऐसा नहीं आपने नॉइस आ रहा है एसी देने से, तो ऐसे कंप्रेसर चेंज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि एसी कंप्रेसर का दाम बहुत है, ठीक है ना। तो चलो बेल्ट मेरा पूरा फिट हो गया, तो अभी आपको स्टार्ट करके सुनाएंगे और दिखाएंगे भी नॉइस है कि नहीं। तो चलो देखते हैं स्टार्ट करने के बाद। चलो स्टार्ट, तो अभी हमने स्टार्ट कर लिया, देखिए नॉइस है कि नहीं। कैसे करके आपको करना है, नॉइस बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी तरह से देखो, बेल्ट टेंशनर का प्रॉब्लम था, तब वीडियो में दिखाई दे रहे बेल्ट टेंशनर कितना हिल रहा है, यानी कट आवाज़ टेंशनर से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो टेंशनर चेंज और बेल्ट चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो चलो थैंक यू दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, एक से एक बढ़कर एक वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। चलो।